समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी रही और किसान के हर आंदोलन में जहाँ पर किसान का हक और सम्मान की बात आएगी समाजवादी पार्टी उनके साथ। देश का किसान गुस्से में है और दिल्ली जाने की जिद पर अड़ा है। सरकार मनाने में जुटी है, लेकिन किसानों का ये संग्राम देश की सियासत को भी गरमाने लगी है। भले ही किसानों ने अपने आंदोलन को सियासत से दूर रखा है, लेकिन सियासत किसानों के आंदोलन पर डोरे डालने में जुटी है। खासकर विरोधी दल जो चुनावी मौसम में अन्नदाताओं के आक्रोश को हथियार बनाकर बीजेपी पर हमले करने में जुटी है, यूपी में भी इसका असर देखने को मिलने लगा है। अभी हाल में ही यूपी के दो लड़के एक होकर लोकसभा की जंग में मोदी के खिलाफ एक साथ उतर आए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव की, जिन्होंने सीट शेयरिंग की गुत्थी को सुलझाकर एक साथ चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। साथ ही साथ दोनों ने किसानों की लड़ाई भी लड़ने का ऐलान कर दिया है। मुरादाबाद पहुंची राहुल की न्याय यात्रा के दौरान उनकी बहन प्रियंका गांधी ने किसानों के बहाने बीजेपी पर हमला बोला और कहा किसानों की सरकार कोई सूद नहीं ले रही, वो दो साल पहले भी सड़क पर थे और आज भी हैं। बार बार भाजपा की सरकार आ रही है, केंद्र में आ रही है, प्रदेश में आ रही है, आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है, आपकी मुश्किलें बढ़ रही है। तब किसान आंदोलन कर रहे थे दो साल पहले, आज किसान आंदोलन कर रहा है। तब सड़क पे बैठे थे ठंड में सर्दी में, आज बैठे हैं। तब उनकी सुनवाई नहीं थी, आज उनकी सुनवाई नहीं है। एक ओर जहां प्रियंका ने हमला बोला तो दूसरी ओर उनके सियासी साथी सपा सुप्रीमो अखिलेश ने किसान आंदोलन का समर्थन किया और कहा सरकार के खिलाफ उनकी लड़ाई में समाजवादी पार्टी उनके साथ है। किसान आंदोलन के साथ आप नहीं, समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी रही हो, किसान के हर आंदोलन में जहां पर किसान का हक और सम्मान की बात आएगी समाजवादी पार्टी उनके साथ। एक ओर सपा तो दूसरी ओर कांग्रेस, दोनों ही लगातार किसान आंदोलन के बहाने बीजेपी सरकार को घेरने में जुटे हैं और हाल के दिनों में किसानों का ही इकलौता ऐसा बड़ा मुद्दा है जहां बीजेपी बैकफुट पर नजर आती दिख रही है और सपा कांग्रेस बीजेपी की इसी दुखती रग पर हाथ रख रहे हैं, वो भी तब जब कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में किसानों के बहाने सपा और कांग्रेस की ये सियासत बीजेपी के 400 प्लस दावे को कितना नुकसान पहुंचाने वाली है, ये तो वक्त ही बताएगा।